इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फैक्टर्स डिटर्मिन रियल वेजिस वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर रियल वेज डिपेंड करता है फर्स्ट इज द मनी वेज अगर हम बाय डेफिनेशन देखें रियल वेज इज द मनी वेज ओवर प्राइसेस

पेन की प्राइस है मान लो फाइव तो आप सौ रुपये के साथ कितने पेन ले सकते हो ट्वेंटी पेन्स इट मीन्स मनी वेज इज इन मॉनिटरी टर्म्स रियल वेज इज इन कमोडिटी टर्म्स नॉट इन मनी टर्म्स सो आपके मनी वेज हैं इस एग्जाम्पल में वन हंड्रेड रुपीज बट आपके रियल वेज हैं ट्वेंटी पेन सो रियल वेज के दो डिटर्मिनेंट तो यही हो गए एक है मनी वेज दूसरा है प्राइस मनी वेज ऊपर है इसलिए रियल वेज के साथ पॉजिटिव रिलेशन प्राइस नीचे है इसलिए रियल वेज के साथ नेगेटिव रिलेशन सो मनी वेज देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन दैट इज़ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन मनी वेज एंड रियल वेज अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम इफ मनी वेज आर मोर देन रियल वेज विल ऑल्सो बी मोर अगर मनी वेज ज्यादा होंगे तो रियल वेज भी ज्यादा होंगे लेट वी डिस्कस सम मोर डिटर्मिनेट्स टोटल इलेवन पॉइंट डिस्कस करेंगे हम सेकंड है प्राइस लेवल जैसे हमने देखा रियल वेज क्या है मनी वेज और प्राइस सो प्राइस के साथ रियल वेज का नेगेटिव रिलेशन देर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस लेवल एंड रियल वेज अदर थिंग्स रिमेनिंग इीनिंग सेम इफ प्राइस इज मोर इट मींस रियल वेज विल बी लेस अब ये जो पॉइंट हैं थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इसमें हम क्या शो करेंगे सपोज देर आर टू वर्कर्स ए एंड बी मान लो दो वर्कर्स हैं ए एंड बी ए के हम शो करेंगे कि रियल वेज ज्यादा हैं बी के कंपैरेटिव मनी वेज मान लो दोनों को वन थाउजेंड मिल रहा है मनी वेज दोनों के मान लो सेम है बट ड्यू टू दीज पॉइंट्स वी विल शो दैट रियल वेज ऑफ ए इज हायर दैन द बी मनी वेज चाहे दोनों के सेम हैं सप्लीमेंट्री इनकम रियल वेजिस ऑफ एन एम्प्लॉय विल बी मोर इफ इन एडिशन टू हिस्स फिक्स्ड मनी वेज ही गेट्स सप्लीमेंट्री इनकम लाइक बोनस फ्री अकोमोडेशन फ्री मिड डे मील्स यूनिफॉर्म मेडिकल फैसिलिटी फ्री एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रेन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एसेट्रा तो ए जो एम्प्लाई है सपोज ए एम्प्लॉय एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है जहाँ पर उसको मनी वेज के साथ साथ सप्लीमेंट्री इनकम भी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ दीज फैसिलिटीज़ तो अगर ए को ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं बी को ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही इट मीन्स ए के जो रियल वेज हैं वो बी के कंपेरेटिव ज़्यादा हैं चाहे दोनों के मनी वेज सेम हैं द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रियल वेजेस विल बी मोर इफ वर्कर हैज़ अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड लेस इफ़ एम्प्लॉयमेंट इज़ कैजुअल दोनों के मनी वेज सेम हैं बट सपोज ए एक ऐसी जगह पर काम कर रहा है जो ए की जो जॉब है वो रेगुलर है परमानेंट है बी की जो जॉब है वो कैजुअल है तो बी के ऊपर खतरा है कि कभी भी इसको हटाया जा सकता है ए की जॉब परमानेंट है तो इसको ऐसा कोई खतरा नहीं है इट मीन्स ए के रियल वेज ज़्यादा है देन आवर्स ऑफ वर्क इफ ए वर्कर ए गेट्स द सेम अमाउंट ऑफ मनी वेज एस द वर्कर बी बाय वर्किंग फॉर लेस नंबर ऑफ़ आवर्स दैन द रियल वेज ऑफ ए विल बी हाई देन द बी दोनों के मनी वेज सेम हैं बट ए मान लो ए मनी वेज कमा रहा है सिक्स आवर्स काम करके ये मान लो कमा रहा है बी एट आर्स काम करके तो इसके रियल वेज ज़्यादा हैं क्योंकि इसने कम टाइम में इतना पैसा कमाया है वर्किंग कंडीशंस रेलवेज ऑफ अ लेबर वर्किंग इन क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट्स विल बी मोर दैन द वन हु वर्कस इन डर्टी एंड अनहेल्दी सराउंडिंग तो ए मान लो एक ऐसे जगह पर काम कर रहा है जहाँ पर वर्किंग कंडीशन बड़ी क्लीन हैं हेल्दी हैं साफ सुथरा है सारा इन्वायरमेंट बी मान लो ऐसी जगह पर नहीं काम कर रहा बी जहाँ काम करता है वहाँ मान लो क्लिनलीनेस नहीं है इट मीनस एक रेलवेज ज़्यादा है एंड ट्रेड एक्सपेंसिस इफ़ अ वर्कर इज बाउंड टू स्पेंड अ पार्ट ऑफ हिज मनी वेज ऑन ट्रेड एक्सपेंसिस हिज रियल वेच विल फॉल तो बी मान लो जो काम करता है इसमें इसको खुद भी कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ जाता है जैसे मान लो एक बैंक में है एम्प्लाई ए मान लो बैंक में है तो बैंक में इनको सब स्टेशनरी या और चीज़ें मिलती हैं काम करने के लिए बी मान लो टीचर है तो इसको खुद बुक्स लेनी पड़ती हैं नोटबुक्स लेनी पड़ती हैं और स्टेशनरी लेनी पड़ती है तो इसके रियल वेज कम है so, हमने ये एग्जांपल ली है एक ए वर्कर है जिसके रियल मनी वेज वन थाउजेंड है एक बी वर्कर है इसके भी मनी वेज वन थाउजेंड हैं बट ए के रियल वेज ज़्यादा है ये हमने दोबारा लिख लिया सेम जो पहले लिखा था पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इफ अ वर्कर हैज़ टू स्पेंड मोर मनी ऑन हिज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देन हिज रियल वेज विल बी लो अब ए जितनी कमाई करने ये लग गया वन थाउजेंड रुपीस कमाने लग गया मनी वे अर्निंग करने लग गया तो इसने जो कोर्स किया है वो मान लो थ्री इयर्स का है इसने जो कोर्स किया है मान लो फाइव इयर्स का है तो थ्री इयर्स के बाद भी इसको उतने पैसे मिल रहे हैं अब इसको फाइव ईयर के बाद उतने पैसे मिलने लगे हैं इट मीन्स इसका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कम है इट मीन्स इसके रियल वेज ज़्यादा हैं ऐसे ही ट्रेनिंग के दौरान खर्चा कितना आया मान लो इसका ट्रेनिंग पे ख़र्चा ज़्यादा आया इसकी जो स्टडी थी मान लो सस्ती थी इसकी जो स्टडी थी मान लो टेक्निकल थी महंगी थी अब दोनों सेम ही अमाउंट कमा रहे हैं इस इट मीन्स ए के रियल वेज ज़्यादा है नो एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स वर्ड्स एंड ऑफ़ सर्विंग इन आर्मी रेलवेज बैंक्स एटसेट्रा गेट प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन दीज डिपार्टमेंट्स दस दे इन्जॉय ग्रेटर इकोनॉमिक सिक्योरिटी दस रियल वेज आर हाई टी एच ई आई आर अब कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं मान लो ए ऐसे डिपार्टमेंट में काम करता है जहाँ पर अगर बाई चांस कोई बात हो जाती है ड्यूरिंग जॉब इसकी कोई डेथ हो जाती है ए की तो इस जो भी इनकी फैमिली में डिपेंडेंट हैं उनमें जो एलिजिबल लोग हैं उनमें किसी को भी इनकी ए की जगह पर जॉब मिल जाएगी इसलिए हम कहते हैं कि ए के रेलवेज ज़्यादा हैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है अगर मान लो इसकी डेथ हो गई तो इसकी जॉब ख़त्म हो जाएगी इसकी फैमिली मेम्बर्स को इसकी जगह पर जॉब नहीं मिलेगी तो दोनों के चाहे मनी वेज सेम है, बट यहाँ पर क्योंकि डिपेंडेंट्स की एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी है इट मीनस ए के रियल वेज ज़्यादा है प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर प्रमोशन इन द डिपार्टमेंट्स वेयर देर आर हाई चांसेस ऑफ फ्यूचर प्रमोशन द रियल वेजेस ऑफ वर्कर्स विल भी हाई अब ये मान लो ऐसी जगह पर काम करता है जहाँ पर प्रमोशंस बहुत हैं पहले ये जूनियर है फिर सीनियर बन जाएगा सीनियर सुपर सीनियर बन जाएगा आगे आगे इसके रैंक हैं तो इसके प्रमोशन के चांस ज़्यादा हैं इसके वेजेस भी बढ़ते रहेंगे इसमें मान लो प्रमोशन के चांस है नहीं जो आप जॉब पे लग गए एंड तक वही रहोगे या ये कहो इस जॉब में प्रमोशन प्रमोशन के मान लो एक दो स्टेप्स ही हैं इसमें मान लो ज़्यादा स्टेप्स हैं आप ज़्यादा हाई रैंक्स पर जा सकते हो इट मीन्स एक रियल वेज ज़्यादा है एंड लास्ट पॉइंट इज़ द सोशल स्टेटस द वर्कर विद जॉब विद हाई सोशल स्टेटस इंजॉय मोर रियल वेजेस तो इसका स्टेटस मान लो हाई है ऐसी जॉब पर काम करता है जहाँ लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इस काम की यह मान लो ऐसे जॉब पर काम करता है जहाँ इतना स्टेटस नहीं है तो इसके रियल वेज एक ही रियल वेज हाई है दीज आर सम कॉजेज ऑफ द और डिटर्मिनेट्स ऑफ द रियल वेजिस थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो